अब खबरें तफसील से। मिड डे मील में दाल के बजाय दाल का पानी दिया जा रहा, मुतालिका अधिकारियों पर जिला कलेक्टर ने बरहमी जताई। सरकारी स्कूलों में रात होते ही खुमारबाजी और शराब नोशी की जा रही और आइंदा किसी भी तरह की फरियाद पर सख्त इकदाम लिए जाएंगे। शहर के प्रगति भवन में तालीम महकमे के अलावा मुख्तलिफ महकमे के अहदेदारों से जिला कलेक्टर योगी तराना, डीई और राजेश के साथ मिलकर इजलास लगाए। इस मौके पर कलेक्टर ने बात करते हुए कहा कि हर स्कूल में तुलबा और असातिज़ीन एक ही बैतुलखला का इस्तेमाल करें, तभी बैतुलखलाओं की सफाई मुमकिन होगी और तुलबा के लिखे गए नोटबुक्स को असातिज़ीन बिना देखे ही लिखने पर सख्त बरहमी जताई। इन्होंने कई जगह के तुलबा के नोट्सबुक का जायजा लिया जिसमें इन्हें कई गलतियाँ नजर आई। गलतियाँ होने पर भी असातिज़ीन नज़रअंदाज कर रहे हैं जिससे तुलबा की तालीम पर असर पड़ेगा और इस बारे में MEOs निगरानी करने के अहकाम जारी किए और स्कूलों में रात होते ही खुमारबाजी और शराब नोशी की जा रही है जिसका देहातों की खवातीन इनसे अपील कर रही और इस तरह की हरकत किस लिए की जा रही है अहदेदारों पर बरहमी जताई। आइंदा से वक्त ख़त्म होते ही हर स्कूल के गेटों को ताला लगाने के कलेक्टर ने अहकाम दिए। मुतल्लिका एसआई पेट्रोलिंग लगाने के लिए अहकाम देने का इजहार किया। मिड डे मील में तुलबा को 3 अंडों को देने के बजाय सिर्फ 2 अंडे ही देने पर इकदाम लेने के लिए मुतल्लिका अहदेदारों को अहकाम दिए और हर रोज़ दाल या तरकारियों का सांभर तुलबा को देने की बजाय पतली दाल बिना तरकारियों के सांभर ही दे रहे हैं। इस तरह की गजा तुलबा किस तरह नौश करेंगे सवाल किया। आइंदा से मेन्यू के मुताबिक गजा देने वरना सख्त इकदाम का इंतबाह किया। स्कूलों में तुलबा को कलेक्टर का नंबर दिया गया है, खाना ठीक ना होने पर फौरन फ़ोन करें और तनकीद करते वक्त इस तरह के हालात होने पर सख्त इकदाम लिए जाएंगे। So my request is, anyway, I have told the local DSP to do a patrol so that especially that school has become a adda, drinking adda. So the students were saying, amma morning vaste chaala chandalaga untundi and there are certain things, objectionable things which they find there which I cannot tell in the meeting. So my request is, first wherever the lash is not correct, మీ దగ్గర ఉన్న మెయింటెనెన్స్లో ఫస్ట్ ఆ తలుపుకి గడి వేయడం ఆ లాక్ వేయడం ఆ పర్ఫెక్ట్ చేయండి నంబర్ 1। तेलंगाना हुकूमत कायम होने के बाद पहली बार जिला कोर्ट में हुकूमत की जानिब से जरा करने के लिए सरकारी वकील की हैसियत से किरण कुमार गर्ग को और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से रत्नाकर रेड्डी को मुंतखब किया गया। जिला कोर्ट के इहाते में अपने चैम्बरों में अहदे का जायजा लिया और केसों के हल के लिए कोशिशों की बात कही। जिला कोर्ट की दूसरी मंजिल पर हुए जिला सरकारी वकील ऑफिस में सरकारी वकील की हैसियत से मुंतखब हुए किरण कुमार गर्ग को 2013 से अब तक सरकारी वकील की हैसियत से खिदमात बजलाए आनंद रेड्डी से अपने अहदे का जायजा लिए और इसके बाद हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कोर्टों में मुख्तलिफ पेंडिंग केसों के जब्तों को किरण कुमार को आनंद रेड्डी ने दिया। बार एसोसिएशन के सीनियर और जूनियर विकला ने किरण कुमार गौड़ को मुबारकबाद दी। हाईकोर्ट बार काउंसिल मेंबर राजेंद्र रेड्डी ने भी किरण कुमार गौड़ से मुलाकात की और इन्हें मुबारकबाद पेश की। इनके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट एडिशनल पुलिस प्रोसिक्यूटर की हैसियत से रत्नाकर रेड्डी ने अपने चैम्बर में अहदे का जायजा लिया और हुकूमत की जानिब से पेंडिंग में पड़े केसों को हल करवाने के लिए कोशिश करने की बात कही। काउंसिल मेंबर हैव कम टू निजामबाद टू कांग्रेचुलेट हिम ऑन दिस वेरी ऑस्पिशियस ओकेशन। आई होप the Nizamabad advocates will maintain decorum by being well dressed and attend the courts and help the GP to complete the cases in time so that the justice will be reached to the common people of Nizamabad district। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में डिग्री और पीजी दाखिलों का आगाज हो गया। सरकारी कॉलेज के असिस्टेंट डायरेक्टर समैया का बयान। डिग्री और पीजी तलबा और तालिबात अपने दाखिले के लिए नवंबर 8 तारीख तक दाखिला फीस को अदा कर दें। इसी तरह 500 जुर्माने से नवंबर 15 तारीख तक फीसों को अदा किए जाने का गिरिराज सरकारी कॉलेज के असिस्टेंट डायरेक्टर समैया ने इजहार किया और डिग्री तीसरे साल के इम्तिहानात नवंबर 28 तारीख से दिसंबर 3 तारीख तक लगाए जा रहे हैं। साल दुवम के इम्तिहान दिसंबर 5 तारीख से 10 तारीख तक और साल अव्वल के इम्तिहान दिसंबर 12 तारीख से 15 तारीख तक लगाए जाने का इजहार किया। म्यूनसिपल जगहों पर कब्जा करके तामिर की गई इमारतों को म्यूनसिपल अहदेदारों ने हटा दिया। सरकारी मुलाजिम कीमती म्यूनसिपल की जमीन पर कब्जे जमा कर योगा सेंटर चला रहे थे। रोशनी टीवी की इस बात पर नशरियात से टाउन प्लानिंग अहदेदार कमर बस्ता हुए। शहर की मेयर आकुला सुजाता नुमाइंदगी कर रहे 15वें डिवीजन के विनायक नगर में चंद्रशास म्यूनसिपल जगह पर कब्जा करते हुए MP कविता के नाम से योगा सेंटर लगाए और गुज़िश्ता चंद सालों से खवातीन समाख्या संगमों को जगह मुंतखब करते हुए इमारत की तामीरात करवाने का मुतालबा करने पर मुकामी तौर पर
चंदर खास ने बिना किसी इजाजत के करोड़ों रुपयों के मालियती म्यूनिसिपल जगह पर पक्के टीन शेड की इमारत तामीर की और इस पर तनाजा पैदा होने से रोशनी टीवी जगह पर कब्जा करने की खबर की नशरियात की, जिस पर म्यूनिसिपल अहदेदारों ने दिलचस्पी लेकर मेयर के इलाके में कई जगहों पर कब्जे की तनखें सुनाई देने से इकदाम लेने के लिए कमर बस्ता हो गए। विनायक नगर के हनुमान मंदिर के पास लगाए गए योगा सेंटर के अलावा मेयर की क्यामगा के पास सड़क पर कब्जा जमा कर तामीर किए जा रही इमारत को जेसीबी के जरिए हटा दिया गया और म्यूनसिपल जगह पर कब्जा किए चंदशखास में म्यूनसिपल अहदेदारों को ही आड़े हाथों लेने की कोशिश करने पर म्यूनसिपल अहदेदारों ने डटकर जवाब दिया, जिससे कब्जेदार नरम होकर और योगा सेंटर इनके लिए ही नहीं बल्कि तमाम कॉलोनी की आवाम के लिए कायम करने की बात किए, जिस पर म्यूनसिपल मुलाजमीन ने अपना काम किया और सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों पर सख्त इकदाम का इंतबाह दिया और शहर के तमाम कब्जों की जगहों पर जहर सानी करने की बात कही। कष्टपड़ी पद पद रूपये जमा चेसको इंत कष्टपड़ी मोना वर्षा की माँ तड़कल षेड कूलिपोन वाल मैं रेक षेड वेक मार्निंग जेंट्स ईवनिंग लेडीस योगा नड़ी మేము పర్మిషన్ కవిత మేడం గారిది పర్మిషన్ తీసుకొని ఇక్కడ మేము స్టార్ట్ చేసాము. కానీ కొన్ని దుష్ట శక్తులు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఆ శక్తుల వల్ల ఇక్కడ మాకు బాగా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. किसी भी मजहब के जज्बात को मजरू करने की किसी को भी इजाज़त नहीं। नाकाबिल बर्दाश्त तस्वीर को फौरन हजफ करते हुए ऐसे अफराद पर लगाम कसने का कमिश्नर ऑफ पुलिस का तय खून। जमीयत उलमा के एक वफद ने जमीयत उलमा सदर हाफिज लायक की सदारत में कमिश्नरेट पहुंचकर फेसबुक पर मुसलमानों के जज्बात को भड़काने वाले नाकाबिल बर्दाश्त तस्वीर अपलोड करने के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकया ने तयकुन दिया कि अंदरून एक घंटा नाकाबिल बर्दाश्त तस्वीर को फौरन फेसबुक से हजफ करने और ऐसे अशार पर कार्रवाई का तयकुन दिया। जमीयत उलमा के वफद ने कमिश्नर ऑफ पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। इस पर जमीयत उलमा का एक वक्त आज पुलिस कमिश्नरेट से नुमाइंदगी किया और पुलिस कमिश्नर साहब ने हमसे वादा किया, इस बात का तयकुन दिलाया कि एक घंटे के अंदर अंदर वो नाकाबिल बर्दाश्त तस्वीर हजफ कर दी जाएगी और इस बात पर फौरन पुलिस से रुजू होने पर कमिश्नर साहब ने बहुत ज़्यादा इजहार खुशी। मामूली बहस के बाद नौजवान और इसके घर वालों की जानिब से शदीद जदकोप करने पर एक दूसरे नौजवान को शदीद जख्म आए, पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। शहर के लाइन गली के रहने वाले अब्दुल जब्बार का पास ही के इलाके वाटर टैंक के पास रहने वाले फैसल से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद फैसल अब्दुल जब्बार को अपने भाई और अपने वालिद के साथ मिलकर शदीद जदकोप करने का इल्जाम आयद किया, जिसकी वजह अब्दुल जब्बार का हाथ टूट गया। इस हमले के खिलाफ जख्मी ने शहर के टू टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। फैसल है उसका नाम, उन्हें मामी सेवा के रहता वाटर टैंक के पास, तो उन्हें बुला के मैं घर के पास अजीज़ वाली सबका नाम अजीज़ है, तो उन्हें मेरे को बुलाया, बुला के घर में लिखा, घर में लेके जाने के बाद खाली बात करना है बोला। उसके बाद उसकी अम्मा, उनके वालदा और बाबा और उनका छोटा भाई और उन्हें मिल के मारे, मेरे को मार के हॉकी स्टिक का लकड़ियाँ रहती नहीं उससे मारे। फिर मैं उस वहाँ से निकल के दरवाज़ा खोल के भाग रहा था, फिर बाहर भी आके मारे लगा। रिश्वतखोरी मुल्क के हर कोने में फैल चुकी है, जिससे मुल्क का निज़ाम बदतर हो गया और तरक्की से दूर होता जा रहा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिप्टी जनरल मैनेजर राधाकृष्णा ने जताया अफसोस, रिश्वतखोरी का खात्मा करने के लिए नौजवान और तुलबा को कमर बस्ता होने की अशद जरूरत है। शहर के गिरिराज सरकारी कॉलेज में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया के तहत तुलबा से विजिलेंस इजलास लगाया गया। इस इजलास में कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिप्टी जनरल मैनेजर राधा कृष्णा मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत किया और उन्होंने कहा कि मुल्क में बढ़ती रिश्वतखोरी और बेईमानी का खात्मा करने के लिए तुलबा और नौजवान आगे बढ़ने की अशद ज़रूरत है, वरना मुल्क में बदतर हालात पैदा होने के इम्कान होंगे। तुलबा और मुलाजमतों के लिए रिश्वत देने की नौबत आने पर अफसोस जताया और इस तरह के बदतर हालात से तुलबा बाहर आ जाएँ, आज के तुलबा ही आइंदा नस्ल के लिए मिसाली साबित हो सकते हैं, इसीलिए तुलबा रिश्वतखोरी खात्मे की मिसाल देने के लिए ही इजलास लगाने की बात कही। कुनारो हीरो इस संवत्सरम सेलिब्रेशन చేయడానికి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద వెన్యూ మత అవుట్ ఆఫ్ 5 వేకే వెన్యూస్ లో ఇస్ ద ఫస్ట్ వెన్యూ వి ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ టుడే ఇస్ ద ఫస్ట్ వి ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ద ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ 40 ఉన్నారు మేము ప్లాన్ చేస్తున్న 1.5 అవర్ నోటికి 3 గంటలకు వెళ్ళిపోతుంది ప్రోగ్రామ్ చూస్తుంటే బట్ సో ఇప్పటివరకు అయిన పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్గనైజర్ గ్రూప్ చాలా చక్కగా మాట్లాడారు దే ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దేర్ ఒపీనియన్ సో వీఆర్ హ్యాపీ సో వీఆర్ గివింగ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ప్రైజెస్
مرکزی حکومت کی جانب سے دی گئی انپٹ سبسڈی کو ریاستی حکومت فوراً اجرا کرے۔ بی جے پی ریاستی قائد کوٹا پارٹی نرسمہا نائیڈو نے کیا مطالبہ۔ کسانوں کو دیے جانے والے نقصانی معاوضے کو ادا نہ کرنے سے کسانوں کو دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ بانسواڑہ شہر میں بی جے پی ریاستی قائد کوٹا پارٹی نرسمہا نائیڈو کے تحت کسانوں کے مسائل حل کروانے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ اس کے بعد آر ڈی آفس کے سامنے دھرنا کیا گیا۔ ضلع میں کسانوں کو پیدا ہوئے مسائل فوراً حل کروانے کی بات کی۔ قرض معافی، قید سالی کا نقصان اور قید سالی کی وجہ فصلوں کو ہوئے نقصان کے معاوضے کو ریاستی حکومت ادا نہ کرنے سے کسانوں کو دشواریاں ہو رہی ہے اور ٹی آر ایس حکومت باتوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی۔ آئندہ انتخابات کے بارے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہی منصوبے تیار کر رہی ہے، مگر غربا اور کسانوں کے مسائل پر ذہن نہیں دے رہی، جس پر کسانوں نے سخت برہمی جتائی۔ فوراً حکومت اپنی دلچسپی نہ لینے پر شدت کے ساتھ مہم چلانے کا انتباہ دیا۔ మన యొక్క రైతుల యొక్క రుణాలు పూర్తిగా మార్పు చేస్తామని చెప్పింది. ఆ రైతు రుణమాఫీని వెంటనే మరి చెల్లించాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఇటీవల భారీ వర్షాలకు నష్టపోయినటువంటి సోయా, మినుము, పెసర తదితర పంటలకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలా? ఇక్కడి నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి మరి గౌరవనీయుల పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు, రైతులకు న్యాయం చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత వారి మీద ఉంది۔ منڈل میں گروپ سیاست اور سیاسی مخالفت کی وجہ کوئی بھی عہدیدار صحیح خدمات انجام نہیں دے رہے۔ زد پی سی او موہن لال کا بیان، سیاسی خلافت سے دور ہوتے ہوئے عہدیداروں کو اپنا تعاون دے کر منڈل کی ترقی کروانے کا انہوں نے مشورہ دیا۔ جگران پلی منڈل پریشد آفس کی زد پی سی او موہن لال نے اچانک تنقید کی۔ منڈل میں گروپ سیاست چلانے سے سیاسی نمائندوں کے دباؤ سے کوئی بھی عہدیدار ٹھیک طرح سے اپنی خدمات انجام نہیں دے رہے۔ اس سلسلے میں حال ہی میں انچارج کی حیثیت سے آئے ایم پی ڈی او سریندر بھی چھٹی پر جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور یہ سب گروپ سیاست کی وجہ ہی ہے۔ سیاسی خلافت کو چھوڑ کر نئے ایم پی ڈی او کی حیثیت سے اپنے عہدے کا جائزہ لیا۔ سیتا مہالکشمی کو اپنا تعاون دے کر منڈل کی ترقی کروانے کا انہوں نے مشورہ دیا، اور اسی طرح آرمور منڈل پریشد آفس کا زیڈ پی سی او موہن لال نے اچانک تنقید کی۔ ریکارڈوں کی تنقید کرتے ہوئے گزشتہ ماہ کے ریکارڈز صحیح نہ ہونے پر سخت برہمی جتائی اور خدمات سے لاپرواہی جتا رہے عہدیداروں کو انتباہ دیا اور چھوٹی موٹی غلطیوں کو ٹھیک کروانے کا مشورہ دیا، اور منڈل کی ترقی کے لیے عہدیدار اپنے بھرپور خدمات انجام دے۔ ఒకరికొకరు పోస్ట్ కార్డ్ లేదు, వచ్చిన ఇంటి వల్ల ఎవరిని స్థిరంగా ఉండడానికి కానీ పనిచేయడానికి కానీ అంత అనుకూలమైన వాతావరణం లేదు అనే ఉద్దేశంగా సరే నా వంతు ప్రయత్నం కూడా నేను చేద్దామని ఆల్రెడీ మొదలుపెట్టాం. ఇప్పుడు ఎండిఓను మార్చాము, మీకు అందరికి తెలుసు. సో వీళ్ళ మధ్య సహిత కుదరాలనే ఉద్దేశంతో నిర్వహించడంలో కొంత అలసత్వం గ్యాప్ అయితే ఉంది, దాన్ని వీళ్ళకు సిబ్బందికి హెచ్చరికగా చేస్తున్నాం. కొత్త ఎండిఓ కూడా హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. సిద్ధాంత ప్రకారంగా ఇక ముందు కూడా సరిగా నిర్వహించాలి, ఆ తర్వాత అప్డేట్గా ఉంచుకోవాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. نقلی شراب کے اڈوں پر ایکسائز عہدیداروں نے دھاوا کیا۔ نقلی شراب تیار کرنے والوں کو معلومات دیتے ہوئے اچھی زندگی گزارنے کا انہوں نے مشورہ دیا۔ ارگٹلا منڈل کے حدودی بٹاپور، تالا رامپور اور ڈیرا کالونی میں ایکسائز سی آئی سہادیو نے ملازمین کے ساتھ مل کر نقلی شراب اور گڑمبے کے اڈوں پر دھاوا کیا۔ اس کے بعد کالونی کی عوام کو معلومات دی۔ نقلی شراب گڑمبے کی تیاری کرنے سے خاندان کس طرح سے نقصان اٹھاتے ہیں اس بارے میں معلومات دی، اور اس طرح کی شراب تیار نہ کیے جانے کا مشورہ دیا۔ اور یہی نہیں بلکہ ماضی میں نقلی شراب میں ملوث ملزمان اور بائنڈ اوور ہوئے اشخاص کا معلوماتی اجلاس لگایا اور ان لوگوں کو تبدیل ہو جانے اور اچھی طرح اپنی زندگیاں گزارنے کا اظہار کیا، اور آئندہ سے نقلی شراب تیار کرنے اور فروخت کرنے پر سخت اقدامات لیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں ایس آئی سری پرساد پٹیل و ملازمین نے شرکت کی۔ بچے معیاری تعلیم حاصل کرتے ہوئے اعلیٰ مقام حاصل کرے، سول جج ایم وی ہریناتھ نے امید ظاہر کی۔ تعلیم کے علاوہ بچوں کو بچپن سے ہی مختلف سیکھوں کے بارے میں معلومات حاصل کیے جانے کا انہوں نے مشورہ دیا۔ شہر کے ناگرم سرکاری طلبہ ہاسٹل میں لوک عدالت کے تحت تعلیم و قانون پر معلوماتی اجلاس لگایا گیا۔ اس اجلاس میں مہمان خصوصی کے طور پر سول جج ایم وی ہریناتھ، زد پی سی او موہن لال نے شرکت کی اور خطاب کیا۔ طلبہ تعلیم کے علاوہ کھیلوں میں بھی دلچسپی لے اور اپنی قابلیت میں اضافہ کرے اور تعلیم میں پیدا ہو رہے مسائل کو یکجہتی کے ساتھ حل کرنے کا مشورہ دیا، اور بچوں کو غیر قانونی طور پر روانہ کرنے والوں کو سخت سزائیں دیے جانے کی بات کہی۔ اس موقع پر طلبہ نے کلچرل پروگرام لگائے اور ہر یوتھ کو کوآرڈینیٹر رام چندر راؤ نے ایل ای ڈی ٹی وی انعام میں دی۔ లాయర్ వాదిస్తాడు కదా, మీరందరూ సినిమాలు బాగా చూస్తారా?
జడ్జి ఏం చేస్తాడు కోర్టులో? तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद मुस्तकबिल संवारने का ख्याल किए तुलबा को ढाई साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी हुकूमत ने फीस रिएम्बर्समेंट की इजराई नहीं की। साबिका स्पीकर सुरेश रेड्डी का बयान, हुकूमत की मुखालिफत तरीक़ेकार की रियासत की आवाम को मालूमात देने के लिए नौजवानों का इजलास लगाया जा रहा। शहर में साबिका स्पीकर सुरेश रेड्डी की क़यामगाह पर कांग्रेस पार्टी जिला माइनॉरिटी सेल सदर सुमेर अहमद के तहत इजलास लगाया गया। साबिका स्पीकर सुरेश रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत तलबा को फीस रिएम्बर्समेंट की अदायगी ना करने से प्राइवेट कॉलेजों के इंतजामिया दबाव डालकर दुश्वारियों में मुब्तला कर रहे हैं। टीआरएस हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल को जहनशीन करें और फीस रिएम्बर्समेंट की इजराई करें। इसके अलावा अपने किए गए वादों की पासबानी करें। और इस माह की 28 तारीख को आर्मोर के क्षेत्रीय फंक्शन हॉल में नौजवानों का इजलास लगाया जा रहा। इस इजलास के जरिए रियासत के तुलबा और आवाम को हो रहे मसाइल के बारे में रियासत भर की आवाम को मालूमात देने की बात कही और आवाम की टीआरएस हुकूमत की जानिब से की जा रही धोखेबाजी पर गौर करें, वक्त आने पर अच्छा सबक सिखाने की बात कही। और इस नौजवानों के इजलास में तेलंगाना पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा रियासती सतह कायदीन और मरकजी सतह कायदीन शिरकत कर रहे हैं। आवाम की हिमायत करते हुए हुकूमत के सड़क को खम करवाए जाने का इजहार किया। कारण वाल वेला विद्यार्थी दाटो प्रधान ग्रामीण प्रांतानी वस्त विद्यार्थुक आ फी रीएंबर्समेंट निर्लक्ष्य वलन वो चलने परस्थित एर्पड़े प्रभुत्म कॉलेज मूत पड़े प्रमादमी अनेकम टीचर् निरुद्योगा परस्थित विधा పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం ఒక విద్యారంగాన్ని చేస్తున్న ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికే ఆర్మూర్లో ఈ యువ గర్జన కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం। ఈ ప్రోగ్రామ్ మే జ్యాదా సే జ్యాదా తేదాద్ మే ఆకర్ మైనారిటీస్ కే జో ఫీస్ బాజాదగీ ఔర్ ఫీస్ రీయింబర్స్మెంట్ కే మస్లే కో హల్ కర్నే కే లియే జో తమామ్ आर्मूर हल्के असम्बली के कई ऐसे कायदीन जो हमारे हदील अजीज सुरेश रेड्डी साहब को बोले कि फीस जो है हुकूमत अभी तक अदाई नहीं होगी, हमारे बच्चे परेशान हैं, तो ये सब देखते हुए सुरेश रेड्डी साहब ने दिल्ली से एआईसीसी सेक्रेटरी एआईसीसी एसएससीएल प्रेसिडेंट और तमाम अकलियती कायदीन को एकजुट जमा होकर ये प्रोग्राम रखा गया है। इससे मैं समझता हूँ कि आर्मूर ही नहीं बल्कि हैदराबाद का केसीआर का तख्ता भी हिल जाएगा और आप तमाम लोगों से मैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करके ये कामयाब बनाने के वास्ते अपील करूँ। अब खबरें बोधन से। आइंदा अप्रैल आखिर तक हर घर में मिशन भगीरथा के जरिए पीने का शफाफ पानी दिया जाएगा। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान, तमाम मुस्तकिन को डबल बेडरूमों की मंजूरियां दी जा रही। नवीपीर मंडल में कई तरक्याती प्रोग्रामों की इफ्तिताह और इजलासों में बोधन एमएलए शकील आमिर मसरूफ नजर आए। लिंगापुर गाँव में नई तामीर की गई ग्राम पंचायत की इमारत और गोपाल मित्रा की इमारत का इफ्तिताह किया। निज़ामपुर गांव के सरकारी स्कूल में जन विकास खुददार तंजीम जिला कन्वीनर तिड्डू पोशट्टी के तहत लगाए गए इमदादी प्रोग्राम में तुलबा को मुफ्त प्लेट्स और वाटर बॉटल्स और नोटबुक्स तकसीम किए। खुददार तंजीम को एमएलए ने मुबारकबाद दी और निज़ामपुर में कम्युनिटी हॉल और सीसी रोड का आगाज़ किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत इंतखाबात में किए गए वादों की पासबानी कर रही है और अप्रैल माह की आखिर तक हर गांव में गुरबा के डबल बेडरूमों की तामीरात की जाएगी और भगीरथा के जरिए हर घर में नलों के जरिए शफाफ पानी सरबराह किया जाएगा और किसानों को इमदाद देने के मकसद से ही धान खरीदारी सेंटरों को लगाकर इनकी फसलों को मुनासिब दाम दिए जा रहे हैं। और मिशन काकतिया स्कीम की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी सताइश करने का इजहार किया और महाराष्ट्र के वज़रा की टीम भी तेलंगाना में आकर मिशन काकतिया के बारे में तजियाती मालूमात हासिल किए जाने की बात कही। బంగారు తెలంగాణ కావాలంటే మన పల్లెలు బాగుండాలా, మన రైతులు బాగుండాలా, బాగుంటేనే మనకు బంగారు తెలంగాణ మనం సాధించుకుంటామనే ఉద్దేశంతో ఈనాడు ముఖ్యమంత్రి గారు పెద్ద ఎత్తున ప్రణాళికలు చేస్తూ మంచిగా రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా ఈరోజు సాగునీరు మరియు తాగునీరు మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం కూడా మొత్తం యావత్ ప్రపంచంలో ఇలాంటి కార్యక్రమం ఎవరు కూడా చేయలే। డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని చెప్తున్నాం, అది కాకుండా మీకు ఇంటింటికి నీళ్లు అందియకపోతే అప్పుడు కూడా మేము ఓట్లు అడగమని మీ అందరికీ సభ ద్వారా తెలియజేస్తాం।